कह रहे हैं झारखंड में क्या का क्या हुआ मान्यवर, चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था, एक वर्ग विशेष से था। क्या इसकी चिंता इस सदन को नहीं होनी चाहिए? क्या धर्म के नाम पे इस देश के अंदर बंटवारे चलते रहेंगे? ये विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। लेकिन आपको तो दाढ़ी से आपत्ति हो जाती है, टोपी से आपत्ति हो जाती है। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्ला को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास, पढ़ लेना। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना, उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया मान्यवर। पुलिस के अंग्रेज के पुलिस अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज अफसर को जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा होगा। और ये दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। हिंदू